अनदर ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में आज हम आपको दिखाएंगे जो कि चाय सुट्टा वार करके NIT मोर पे जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके ऊपर इस ब्लॉग है। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो फाइनली गाइज, अभी हम लोग चाय सुट्टा बार जो कि NIT मोड़ के पास है वहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ वार्निंग लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चाय सुट्टा बार सिर्फ नाम है, और जैसा कि आपने समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जो स्मोकिंग होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हम अभी आपको अंदर चल रहे हैं, फिर अंदर का व्यू दिखा रहे हैं और इसमें क्या क्या मिलता है वो सब उन्हीं से जानेंगे। फाइनली गाइज, अभी हम लोग जो सुट्टा बार के अंदर है और अभी हम बैठे हुए हैं, और अभी मैंने चाय ऑर्डर कर दिया है, तो जस्ट ही वेटर लेके आ रहा होगा और देखते हैं यहाँ का चाय का क्या मतलब टेस्ट है। और गाइज, मैं सुट्टा बार के बारे में बताऊँ तो जैसा अगर आप लोग के मन में ख्याल आ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कैफ़े की तरह है। आपको चाय, कॉफ़ी अलग अलग वेराइटी, अलग अलग फ्लेवर में मिलेंगे। तो मैं एक ये सुट्टा बार का मतलब लोग निगेटिव मैसेज फैला रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसका एक पॉजिटिव वे में ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको सुन के ये लग रहा हो कि यहाँ पे लोग स्मोकिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ पे यूथ स्मोकिंग करने के लिए आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले मैं चाय टेस्ट कर रहा हूँ, चाय अभी मेरा आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ चाय का कैसा मतलब यहाँ का है नहीं है, लेकिन नाम तो काफ़ी सुना है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसका फ्लेवर भी अच्छा है, और ये स्पेशल चाय मैंने ऑर्डर किया है इलायची, और इसका मैंने अभी टेस्ट करता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइज, अभी हम लोग सुट्टा बार से बाहर निकल चुके हैं और मैंने चाय ट्राई किया है। यहाँ का चाय जो है काफ़ी फ्लेवर था और काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वालिटेड चाय पीना चाहते हैं तो एक बार चाय सुट्टा बार ज़रूर विजिट करें, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।